लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जब भी युद्ध की कंडीशन आती है ना, तो हम गिद्ध की तरह, मतलब गिद्ध की तरह बिहेव करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई, हमारी इकोनॉमी पे क्या होगा इस पे हम बहुत ज्यादा मतलब टेंशन ले रहे हैं। आप वहां पे जाके देखिए कि किसी किसी के माँ का बेटा जा रहा है, किसी का हस्बैंड जा रहा है, कितने मैसिव स्केल में वहां पे डिस्टर्बेंस है। तो मैं इस आर्टिकल को तो समझाऊंगा जो उस राइटर ने लिखा है, उसका नाम मुझे नहीं पता, जानना भी नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ना मैं मैटर समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लिखा है कि हमको क्या नुकसान होगा। अरे भाई, ये इतना स्वार्थ कहाँ से आता है, इतना प्रैक्टिकल लोग हो कहाँ से गए हैं। कुछ ठीक है, वो यूक्रेन के लोग हैं या वो रशिया के लोग हैं और हम इंडिया के लोग हैं, तो हैं तो हम भी ह्यूमन बींग ना, ह्यूमन बींग की तरह भी तो सोचना चाहिए ना। तो मुझे मतलब ये बहुत मतलब सही नहीं लगा कि मैं भी यही बता के निकल जाऊं कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं बता दूंगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा बात समझिए कि क्या है एक्चुअली मामला, कि ये जो यूक्रेन है ना, ये बहुत छोटा है। अब इतना छोटा भी नहीं है, 4.5 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये आर्टिकल में नहीं है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ ताकि आप पूरा मामला समझ जाइए। इस आर्टिकल को तो मैं 5 मिनट में निपटा दूँ। यूक्रेन जो है, आप क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा ही है, एरिया के हिसाब से। जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को आप मिला दोगे ना, जितना उसका एरिया है, दोनों स्टेट को मिला दो, दोनों बड़े स्टेट है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उतना ही बड़ा है यूक्रेन। और ये पूरा मामला क्या है ये समझ समझो थोड़ा सा। मतलब एक बंदे ने एक अपडेट किया था, मैंने उस लाइन को लिख लिया है। उसने लिखा था, पुतिन की गुंडई, नाटो का पाखंड, मोदी का बौनापन, और बेचारा यूक्रेन। तो इस तरीके की उन्होंने लाइन लिखी थी। कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन एक छोटा कंट्री है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला देंगे तो उतनी जनसंख्या है वहां पे, 4.5 करोड़, क्षेत्रफल के हिसाब से भी उतनी है। थोड़ा बैकग्राउंड में आप जाइए तो जब ये यूएसएसआर हुआ करता था, रसिया, तो उस समय ये यूक्रेन ना उसका पार्ट था। और उसके बाद जब यूएसए का डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इसी में ये यूक्रेन भी अपना एक अलग राज्य बन के, इंडिपेंडेंट स्टेट बन के निकल गया, मतलब एक कंट्री बन गई। कहा जाता है कि उसी समय नाटो को स्टैब्लिश कर दिया था, नाटो या नाटो जो भी कहते हैं, नेटो कहते हैं कोई कोई। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ी चीज है, मेन मुद्दा ही यही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, और थोड़ी ज्योग्राफी भी है वो मैं बताऊंगा आप। तो नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब समझिए ना कि आपने ग्रुप बनाया, आप कॉलेज में जाते होंगे, पढ़ते होंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, आप जब अपने कॉलेज में होंगे, आप लोग ऐसा नहीं किए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर, लेकिन उसी कॉलेज में लोगों का ग्रुप होता था कि हमारे ग्रुप में ये 5 लोग हैं, उस ग्रुप में वो 10 लोग हैं, उस ग्रुप में वो 5 लोग हैं। और कहीं मारपीट होता था ना, तो एक बंदे पे कोई कोई मारता था तो पूरा ग्रुप जाके उसको मार के चला आता था। ऐसा होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में खूब हुआ है, मैंने देखा है, और नॉर्मल कॉलेजेस में भी होता है। तो नाटो की जो भी कंट्री है ना, ये सब यूएसए की दोस्त है, ऐसे समझ लो। और इनका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री पे यदि किसी ने भी अटैक किया तो हम उसका जवाब सब लोग मिलके देंगे। तो यही नाटो का यही काम है। इसमें बहुत सारी चीज, बहुत सारी कंट्री है, वो देख लीजिएगा कौन कौन सी है। जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, यूरोपियन यूनियन का मैक्सिमम सारा कंट्री है, यूएसए तो है। तो ये उस समय बनाया जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, इनफैक्ट जब कोल्ड वॉर चल रहा था इन दोनों के बीच में ना, तभी इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो नियम से इसको भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसको इन्होंने खत्म नहीं किया, इसको इन्होंने वैसे ही एज इट इज रखा रहा। और अभी पुतिन क्या कह रहे हैं, मैं पुतिन की बात तो खैर बाद, पुतिन कह क्या रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। पुतिन ये कह रहे हैं कि ये नाटो का मेंबर बनने जा रहा था यूक्रेन, इसीलिए हम इसको मतलब, एक तो ये आर्गुमेंट दे रहा है। दूसरा क्या दे रहे हैं, क्रीमिया के पास ही है, आप क्रीमिया को हड़पा था रशिया ने 2013 में ही, आप लोगों को पता है। तो वहां पे पुतिन एक और आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो यूक्रेन कंट्री है, जो यूक्रेन है वो क्रीमिया से सटा हुआ है, आप देखेंगे मैप पे तो। और वहां पे जो सटा हुआ है ना, जो स्टेट, जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा है, बहुत सटा हुआ है, तो बहुत लोग आपको हरियाणा में पंजाबी बोलते हुए मिल जाएंगे और पंजाब में हरियाणा बोलते हुए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा घर यूपी के बॉर्डर पे है, यूपी बिहार के। तो अब यूपी की भी लैंग्वेज हम लोग बोल लेते हैं, बिहार की भी बोल लेते हैं, हालांकि एक ही लैंग्वेज है, कोई डिफरेंट तो है नहीं। लेकिन
कहने का मतलब यह है कि जहां पे लैंग्वेज डिफरेंट है वहां पे दोनों लैंग्वेज आता है, उनको कन्नड़ भी आता होगा कर्नाटका वाले को और मराठी भी आती होगी क्योंकि यदि दोनों का बॉर्डर टच होता है। तो ये जो यूक्रेन है यहाँ पे दो ऐसे स्टेट हैं मतलब यूक्रेन के अंदर जहां पे 92% लोग रशियन बोलने वाले हैं, मतलब रशियन लैंग्वेज बोलने वाले हैं क्योंकि वो रशिया से एकदम सटा हुआ पार्ट। तो ये पुतिन का ये कहना है, व्लादिमीर पुतिन का, कि इन ये जो जहां पे रशियन लोगों की मेजोरिटी है, पहले तो इन लोगों को ना पूरा भड़का दिया हो कश्मीर टाइप का कि भाई तुम लोगों को अत्याचार किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा, तुम लोग उसको रिटालिएट करो, और ऐसे करते करते वो लोग सेपरेटिस्ट की भूमिका में आ गए कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए। तो अब पुतिन ये कह रहे हैं कि इन लोगों पे जो ये यूक्रेन है ये काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है, हमको इस देश को आजाद कराना है, इसीलिए हम इनका मदद कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी है ये एक्चुअली एक्चुअल एक्चुअल खेल है, अब जो मैं बताऊंगा पूरा का पूरा मसला ही है ये, इसको ध्यान से सुन लेना आर्टिकल खत्म। जो रसिया है उसकी ज्योग्राफी आप देखेंगे तो वो जिस सी वाटर से घिरा हुआ है ना वो सब ठंडे पानी का, ठंडा पानी है उसमें। ठंडा पानी का मतलब ये हुआ कि सर्दी के मौसम में वो जम जाता है, गर्म पानी का वो सी नहीं है, ठंडा पानी का। तो सर्दी के मौसम में वो जम जाता है तो इससे उसका जो बिजनेस है ना, जो मतलब वो जो पोर्ट है क्या बोलते हैं जहां से समुद्री जहाज भेजा जाता है वो कर नहीं पाता है। तो उसको चाहिए गर्म पानी का, कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां से गर्म पानी मतलब सर्दियों में वो जमे नहीं पानी, वहां से हम मतलब सीधे ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरियन सी पे हम आ जाए, और वो रास्ता सीधे सीधे उसको क्रीमिया से मिलता है और यूक्रेन से मिलता है। हालांकि यूक्रेन से उसने कुछ लीज पे कुछ लिया था, कुछ ऐसा पोर्ट लिया था जहां से वो भेजता था, लेकिन बात बनी नहीं। तो ये पूरा का पूरा मामला ये है कि यदि यूक्रेन पे इसने कब्जा कर लिया तो पूरा जो गर्म पानी का जो सी है ना वहां से सीधे वो ब्लैक सी से सीधे रास्ता मेडिटेरियन सी भी एकदम गर्म पानी का एक झील नहीं है मतलब सी है, तो सीधे वहां से चला आएगा। यही पूरा मामला है, ज्योग्राफी यही है और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से, ये तो सब बहाने हैं कि उस पर अत्याचार कर रहा है, इस पर अत्याचार कर रहा है, कोई किसी पे अत्याचार नहीं कर रहा, लेकिन इनका ऐसा कहना है। लेकिन मेन मेन मुद्दा यही है कि उसका जो सी का एरिया है जो रसिया से कनेक्टेड है वो सब ठंडे पानी पानी का सी वाटर, वो सर्दियों के टाइम में जम जाता है, गर्म पानी का सी वाटर उसको मिलेगा तो वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। और इसी वजह से उसने क्रीमिया को भी हड़पा था 2013 में और उसने अभी यूक्रेन पे भी उसने अटैक किया। तो ये कुल मिला के पूरी कहानी है। अब इसमें हम लोग इतने प्रैक्टिकल हैं कि तेल का दाम घटेगा या तेल का दाम बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा, इस तरीके की चीजें हो रही। इंडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था, बीजेपी के जो लोग हैं वो मुझे माफ करेंगे, बीजेपी अभी 2-3 दिन पहले हल्ला किया था मोदी के लिए। अभी यूक्रेन का जो यहाँ पे IFS है मतलब जो राजदूत है, जो एम्बेसडर जिसको आप रखें, उसने साफ साफ दो टूक में कह दिया कि हमको ये देखना है कि हमारा मदद करता कौन। नाटो ने क्या बोल दिया है कि ये मेरा मेंबर नहीं है भाई, हम नहीं हेल्प करेंगे। हालांकि उसी का मेंबर था, बनने जा रहा था, वो यूरोपियन यूनियन के साथ था, लेकिन सीधे सीधे यूक्रेन को बोल दिया है अमेरिका ने, खुली अब चेतावनी भी दिया ऐसे कह सकते हैं, चेतावनी क्या, गिदर धमकी ही समझेंगे। उसने बोला है कि नाटो कंट्री के साथ आपने कोई जाति किया तो हम तब रिटालिएट करेंगे, अभी रिटालिएट नहीं करेंगे। और पुतिन ने ये बोल दिया कि हम यूक्रेन पे जा रहे हैं कब्जा करने, यदि नाटो का कोई भी कंट्री बीच में आता है तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इतिहास में उसका एग्जाम्पल दिया जाए। इतनी बड़ी बात बोल दी तो, और चाइना को भाई, चाइना चाइना तो आराम से चुपचाप बैठा है कि कितना सैंक्शन लगाओगे भाई, लगाओ सैंक्शन रशिया पे, कितना भी सैंक्शन लगाओगे हम सप्लाई कर देंगे सारी चीज, क्योंकि क्रीमिया को भी हड़पा था जब रशिया ने तो सैंक्शन लगाया गया था, बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, क्या हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से यदि फिर से सैंक्शन लगाए, जैसे इस आर्टिकल को जिसने लिखा है, पता नहीं जिसने भी लिखा हो, तो वो यही बोला है कि सैंक्शन लग गया, अब तेल महंगा हो गया, अब हमारा सामान महंगा हो जाएगा इंडिया का, तो ऐसे ऐसे अब तो इंटरेस्ट मतलब जो हम हथियार खरीदते हैं वो भी महंगा हो जाएगा, तो इसी पर आर्टिकल उसने पूरा खत्म कर दिया। लेकिन मानवता के नाते यदि समझने की बात है कि क्रीमिया पे यदि वो पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी का, कि भाई अमेरिका जो एक तरह से सरपंच की भूमिका निभाता था ना पूरे पंचायत में, मतलब पूरी कंट्री में पुलिस में इनकी भूमिका निभाता था, वो तो खत्म। अफगानिस्तान वाला एग्जाम्पल हमने साथ देख लिया, तो जाहिर सी बात है कि अब वो यूनिलेटरलिज्म की जो हम बात करते थे वो नहीं रहेगा, अब अमेरिका एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश नहीं रहेगा। तो ये चीज है, नाटो को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन नाटो ने अपने सीधे हाथ खड़े कर दिए।
नहीं, इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया वो क्या है। अभी आप लोग बीजेपी के जो लोग मतलब तो बीजेपी वाले जो कह रहे थे मोदी से हेल्प मांगा है, मोदी हेल्प करेंगे, मोदी हेल्प करेंगे, क्या हेल्प कर पाएंगे जब अमेरिका नहीं हेल्प कर पा रहा है? अमेरिका अमेरिका क्या हेल्प नहीं कर पा रहा है? अमेरिका चाहता तो हेल्प करता है, अमेरिका से दोस्ती बहुत महंगी भाई, अमेरिका किसी का नहीं है। जब अमेरिका नहीं हेल्प कर रहा है तो ये क्या इंडिया क्या करेगा भाई? आप रियलिटी की बात करिए ना। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 18,000 के आसपास वहां पे स्टूडेंट अभी भी अटके हुए हैं जो इंडिया के हैं यूक्रेन, और 18,000 के आसपास स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं है। एक जहाज शायद इन्होंने भेजा है, एक जहाज में कितने लोग आएंगे इसका अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। तो इंडिया इस तरीके से भी कह सकता था, दो इंडिया के, एक तो छोटा इंडिया का इंटरेस्ट होता कि इंडिया ये कहता है कि हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हम भी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इस तरीके का काम मत कीजिए। और एक बड़ा इंटरेस्ट ये होता कि ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, यदि इसने इस तरीके से किया तो हो सकता है कि चाइना भी ताइवान पे अटैक करते, कुछ भी पॉसिबल। तो एक वर्ल्ड में एक इनस्टेबिलिटी आए, तो इंडिया किसी तरीके से कुछ भी नहीं किया। और यदि ऐसी बात थी तो क्यों नहीं इंडिया जो 18,000 के आसपास शायद वहां पे लोग हैं हमारे, तो उनको पहले क्यों नहीं बुला लिया आपने? जब ऐसी कोई बात थी तो कह रहा था रसिया बहुत पहले से ही कि हम उस पर अटैक करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इंडिया का इस तरीके से इंटरेस्ट है और इंडिया चाह के भी कुछ नहीं कर रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। और आप वहां की सिचुएशन देखिएगा तो सही में बहुत खराब है, बहुत पैथेटिक। ये नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ बता दिया जो बेसिक चीज। अब ये आर्टिकल आज का जो है वो मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद किसी को और कुछ पूछना होगा तो पूछ लें। जो नॉर्मल चीज था वो मैंने बता दिया कि नाटो क्या गलती कर रहा है, अमेरिका क्या गलती कर रहा है, यूक्रेन में एक्चुअली रीजन क्या है और रसिया चाहता क्या है। ये सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, चाहे इस पर कितना भी बड़ा आर्टिकल पढ़ो मिला जुला के आपको यही चीज मिलेगा कहीं पे। तो ये जो आर्टिकल लिखा है राइटर ने, इसने ये लिखा है कि यूएसए और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इससे इंडिया को कोई नुकसान तो है नहीं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत नुकसान है। इनडायरेक्टली इस तरीके से नुकसान है कि इंडिया की इकोनॉमी अब बहुत नीचे चली जाएगी, जो डगमगा रही थी, शराबी की तरह नशे में तो थी लेकिन डगमगा के चल रही थी, अब वो गिर जाएगी। वो गिर जाएगी कैसे? उसने ये बोला है राइटर ने कि रसिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और रसिया के ऊपर अब लग गया है जबरदस्त तरीके का सैंक्शन, तो इसकी वजह से ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी लेकिन डिमांड तो वैसे ही रहेगा। इकोनॉमिक्स का नियम है कि डिमांड खूब ज्यादा है और सप्लाई कम है तो बढ़ेगा भाई, दाम उसका बढ़ेगा। और दाम दाम बढ़ भी गया है, कह रहे हैं कि $105 पर बैरल हो चुका है, 2014 में कभी ऐसी बात हुई थी, अभी इतना ज्यादा दाम बढ़ा दी। इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया 80% अपना जो ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है, मतलब इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया में 100 लीटर में से 80 लीटर जो तेल है वो बाहर से आता है। तो पूरा मैथमेटिक्स आपका खराब हो जाएगा यदि इंटरनेशनल मार्केट में दाम इस तरीके से बढ़ते गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप यदि तेल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो बेसिक कमोडिटीज का दाम बढ़ेगा, बेसिक कमोडिटीज का दाम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी जो ठीक ठाक डगमगा के आ रही थी वो फिर नीचे चली जाएगी गर्त। तो सिंपल सी बात है कि हर तरीके से लॉस हमारा है, ऐसा राइटर बताते हैं जो सच भी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि हम रसिया से हथियार खरीदते हैं, S-400 मिसाइल आप लोगों को पता है, लेकिन एक अच्छा हमने काम ये किया था कि हमने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर दिया था, डिफेंस ट्रेड को। हम इसराइल से भी खरीदते हैं, हम फ्रांस से भी खरीदते हैं, हम यूएसए से भी खरीदते हैं। तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते हो कि रसिया से बिना खरीदे हुए काम चल जाएगा, रसिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर की भूमिका निभाता है हमारे साथ। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि स्विफ्ट से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया। स्विफ्ट शायद एक ऐसा, इन्होंने बताया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो उसका मेंबर रसिया भी था, उसको वहां से हटा दिया गया है, यूरोपियन यूनियन ने हटा दिया। तो अब इंडिया के साथ रास्ता यही है, राइटर लिखते हैं कि इंडिया एक बैलेंस, एक मीडिएटर की भूमिका निभाए और यूएसए और रसिया में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की, जियोपॉलिटिकली बात करें तो बैलेंस स्टैब्लिश करने की जरूरत है इंडिया को। मतलब इंडिया को कहा जाता है कि बैलेंस स्टैब्लिश करे चाइना और यूएसए में या रसिया यूएसए में। अभी वो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि जियो पोलिटिकली इन दोनों के बीच में मीडिएटर की भूमिका अपनाते हुए और रसिया और इसमें यूएसए के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करें, नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से पुतिन ना पूरे वर्ल्ड का एक पेशेंस चेक कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की कंट्री का। यदि कोई रिटालिएट नहीं करेगा तो आज यूक्रेन हड़पा है,
मतलब हड़पेगा, कल होके कोई किसी और कंट्री पे अटैक करेगा, किसी और कंट्री पे अटैक करेगा और ऐसे ही करेगा तो फिर चाइना भी अपना रास्ता दिखाएगा, चाइना भी ताइवान पे अटैक करेगा, तब भी वैसे कुछ नहीं कहा तो एक बहुत बड़ी इनस्टेबिलिटी आने वाली है। न्यूक्लियर वेपन सबके पास है लेकिन फिर भी ऐसी कहानी। नाटो का क्या बताया जाए, नाटो का तो अभी आपको बताया कि अमेरिका ने बोला है कि अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नाटो के किसी कंट्री पे आपने कुछ किया तो हम रिटालिएट करेंगे। तो यही चीज है। अब यूक्रेन में एक और चीज है कि बहुत फर्टाइल लैंड है वहां पे, मतलब गेहूं रसिया का और यूक्रेन का पूरा दुनिया खाती है, बस ये समझिए। तो ये हो सकता है कि ये सब चीजें भी इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम हो जाएगा, वहां का बहुत हाई क्वालिटी का मतलब जो प्रोड्यूस करता है यूक्रेन में बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां की मिट्टी फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इसके साथ साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया से वो भी जा रहे हैं, सब बहुत चले गए हैं। उनका ये कहना है कि जो यूएसए की जो कंपनी थी कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गया तो अब वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शेयर मार्केट भी काफी डगमगा रहा है तो इससे गवर्नमेंट का डिस इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट जब नीचे जाएगा तो जो पीएसयू गवर्नमेंट बेचने वाली है उसका भी शेयर नीचे चला जाएगा तो उसको बहुत रेवेन्यू गवर्नमेंट को कम मिलेगा। तो ये सब चीजें अच्छे संकेत नहीं है। गोल्ड की बात यदि करें तो गोल्ड जब शेयर मार्केट बहुत क्रैश हो जाता है तो लोग सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है, मतलब जितना शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता है उतना गोल्ड नहीं होता है। तो अब कुल मिला के कहने का मतलब यही है राइटर का कि इस आर्टिकल से यही साबित हो रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी फिर से खराब होने वाली है और इंडिया पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस युद्ध में जो दोनों लोगों के बीच में हो रहा है, मतलब दो लोगों के बीच में तीसरे का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं इंडिया होगा। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डवाडोल होने वाली है। आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।